राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर त्रावड़ी और नीलोखेड़ी के नजदीक आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां पर एक कार और एक ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दो महिलाओं समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुल 3 लोगों की जिनकी मौत हुई है, उनके साथ 2 लोग और शामिल थे जो भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 5 लोग शाहबाद में अपने किसी रिश्तेदारी में शोक व्यक्त करने के लिए जा रहे थे कि जैसे वे नीलोखेड़ी के नजदीक पहुंचे तो ट्रक का जो सामान था, ट्रक में लोडेड सामान था, वो गाड़ी के ऊपर आ गिरा, जिस कारण 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद करनाल पुलिस ने 3 के शवों को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में भिजवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सुबह एक्सीडेंट होया जिसमें कार में 5 आदमी सवार थे, 3 एक्सीडेंट में चोटों के कारण मर गए जो हॉस्पिटल में हैं, और 2 का इलाज चल रहा है जी, बाकी तफ्तीश जारी है। ये गांव बस्तली से थे जी, रिश्तेदारी में जा रहे थे, शाहबाद के पास गांव है वहाँ। कैंटर वाले ने एक्सीडेंट कराया, गफलत लापरवाही से अपना कैंटर चला के, कैंटर उसका कब्जे में ले लिया जी, बाकी ड्राइवर बाज गया। ये आज मैं बस्तली गांव से हूँ, हमारे गांव के 5 लेडीज़ और 2 जेंट्स आज किसी की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर, अपने रिश्तेदारी में शाहबाद की तरफ जा रहे थे, जो ये सुबह करीब 7:30 बजे जब ये त्रावड़ी से नीलोखेड़ी के बीच में जेवी राइस मिल के पास पहुँचे तो जीडी रोड पर एक कैंटर ने लापरवाही से अपना कैंटर चलाते हुए इनकी गाड़ी में टक्कर मारी, जो इनकी इंडिगो गाड़ी थी, और गाड़ी फुटपाथ के ऊपर चढ़कर उलट गई और बहुत बुरी तरह से ये लोग जख्मी हो गए, और जिसमें से हमारे गांव के 3 व्यक्तियों की, जिसमें 2 महिलाएं और 1 जेंट्स है जो गाड़ी चला रहा था, राजेश लड़का, उसकी मृत्यु हो गई है, और साथ में 2 एक लेडी और 1 आदमी जो हमारे गांव का ही था, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनको बहुत चोटें लगी हैं और वो अभी एमरजेंसी में दाखिल हैं, और इन पूरे के पूरे गांव में बहुत ज़्यादा शोक का माहौल है। ये सभी हमारे गांव में, ये 1 लेडी जो है वो शेरगढ़ गांव की थी, बाकी 4 हमारे गांव के 2 जेंट्स और 2 महिलाएँ वो हमारे गाँव की थी। जो मेरा पूरा नाम, मैं अमन इंदर सिंह बस्तली गांव से ही हूं, और जब हमें पता लगा तो बहुत दुखद समाचार है और यहां बहुत ज़्यादा शोक का माहौल है।